बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अडानी इंटरनेट मामले में हल्ला मचा रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया है। शाह ने राहुल गांधी के लंदन में जाकर देश विरोधी बयान देने पर उन्हें आईना दिखाया है। अमित शाह ने शुक्रवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 2 रिटायर्ड जज भी हैं। जिन लोगों के पास इस मामले में कोई सबूत है उन्हें ये सबूत इस कमेटी को दे देने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सभी को देश की अदालतों में भरोसा होना चाहिए। लोगों को आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये जांच में टिक नहीं पाते। ये भी आपको बता दें कि शाह पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अडानी के मामले में छिपाने जैसी तो कोई बात नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। शाह ने लंदन में राहुल के बयानों पर उन्हें इंदिरा गांधी की भी याद दिलाई। उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड गई थी। उस समय वो विपक्ष में थी और सरकार ने उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रखी थी। इंग्लैंड में उनसे जब सवाल ये पूछा गया कि आपका देश कैसे काम कर रहा है, इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरा देश अच्छे से काम कर रहा है। कुछ मुद्दे जरूर हैं लेकिन मैं उनके बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहती। यहाँ मैं भारतीय हूँ और मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। बता दें कि इन्हीं 2 मुद्दों पर देश की संसद कई दिनों से ठप है। इस गतिरोध को दूर करने के बारे में शाह ने यह भी कहा कि इसके लिए दोनों पक्ष को स्पीकर के साथ बैठना होगा, तभी संसद अच्छे से चल पाएगी।